14 जुलाई 2023 जुमे का दिन 4:42। नाज़रीन हमारे स्टूडियोज़ की घड़ी दिखा रही है। खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम हाजिर खिदमत इस लेटेस्ट एडिशन के साथ। हमें उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। नाज़रीन आज हमारे लिए खुशी की बात यह है कि एक यंग टैलेंटेड फीमेल प्लेयर हमारी गेस्ट है, जिन्होंने इंटरनेशनल मुकाबलों में भी शिरकत की है और ख़ास कारनामे सर अंजाम दिए हैं और बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ से अब तक मिल चुकी हैं। हालांकि अभी ये बिल्कुल यंग है, इनका करियर अभी जो है शुरू हुआ है और आगे बढ़ रहा है, उसके लिए हमारी नेक ख्वाहिशात। कौन है ये खिलाड़ी और क्या बात होगी इनके साथ, इसके लिए कीजिए आप ज़रा सा इंतज़ार। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हसब दस्तूर लोकल स्पोर्ट्स की खबरों से। चलते हैं इसके राउंडअप के लिए मेरे साथी फारूक अहमद के पास। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन किराम, यहाँ पर आपके लिए पेश होता है हफ्ते भर के मुकामी खेलों से तरतीब दिया हुआ हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंड अप। आइए देखते हैं। श्रीनगर के टीआरसी टर्फ पर जारी श्रीनगर प्रीमियर फुटबॉल लीग के एक एकतरफा मुकाबले में डाउनटाउन हीरोज एफसी ने जेके बैंक फुटबॉल क्लब को 2-0 से हरा के आगे के लिए अपनी पोजीशन की बेहतर और आज इस वक्त एफसी इकबाल स्पोर्ट्स क्लब के दरमियान मुकाबला है जारी। श्रीनगर में मुनद चेस चैंपियनशिप खुश असलूबी के साथ हुई मुकम्मल, जिसमें मयब कुलकर्णी ने पहली, गौहर रशीद ने दूसरी, जबकि खालिद मुश्ताक बाबा ने तीसरी पोजीशन की हासिल। इस चैंपियनशिप में कई इलाकों से वाबस्ता 100 से ज्यादा खिलाड़ियों ने की थी शिरकत। मागाम में जारी चैंपियंस कप 2023 के एक अहम मुकाबले में मागाम यूनाइटेड ने एससीसी आरी पाथन को 74 रनों से हरा के मैच जीत लिया और कल कश्मीर स्ट्राइकर सोजेट और जान अलेवन मागाम के दरमियान होगा मुकाबला। श्रीनगर के टीआरसी टर्फ पर गुज़श्ता कल से सुपर डिवीजन फुटबॉल लीग 2023 का हुआ शानदार आगाज। इख्तिताम में अलमदार एफसी और यंग रंगरेट एफसी के दरमियान हुआ मुकाबला। लीग में कुल 22 टीमें कर रही है शिरकत। पटना में 6 अगस्त 2030 से मुनक़द होने वाले 22वें जूनियर कौमी वुशु चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए जम्मू कश्मीर से खिलाड़ियों का दस्ता मुंतखब, जिसमें जम्मू कश्मीर के कई इलाकों से वाबस्ता मुख्तलिफ उम्र के मर्द खवातीन खिलाड़ी अपना हुनर दिखाएंगे। पांपुर में जारी बिग बैश टी20 कप हुआ अख्ताम पजीर, फाइनल में ब्लू स्टार पांपुर ने एफसीसी शाइनिंग स्टार को 5 विकेटों से हरा के मुकाबला जीत लिया। मुजफ्फर वकार दिए गए मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। महकमा यूथ रिसर्च एंड स्पोर्ट्स के इश्तराक से वादी के कई इलाकों में इन दिनों खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत कई तरह की खेल सरगर्मियां है जारी, जिनमें मुख्तलिफ एज ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले स्कूली तलबा व तालिबात बढ़ चढ़ कर अपना जोश दिखा रहे हैं। माई यूथ माई प्राइड प्रोग्राम के तहत जिला पुलवामा में हवा हॉकी टूर्नामेंट 2023 का रंगरंग तकरीब के साथ शानदार आगाज। टूर्नामेंट में वादी के मुतअद्दिद इलाकों से आए हुए 16 टीमें बढ़ चढ़ कर रहे हैं शिरकत। खेलो इंडिया वुशु सेंटर शुपियान से कोच रमीज अहमद की कयादत में कौमी सतह के इवेंट्स में हिस्सा लेने के लिए 5 खिलाड़ी हुए हैं मुंतखब, जिसमें डिफरेंट एज कैटेगरीज से 2 खवातीन और 3 मर्द खिलाड़ी हैं शामिल। खुरहामा गांधरबल में जारी सईद मकसूद मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में असगर अलेवन कुलगाम ने ब्राउंड मुंडे वॉलीबॉल क्लब को 3-2 से हरा के कामयाबी की दर्ज और दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में कल इलीट क्लब और शमशेर पंच के दरमियान होगा मुकाबला। चंद्रहामा पट्टन में जारी 19वें SNW क्रिकेट ट्रॉफी 2023 के एक अहम मैच में सिंहपुरा वॉरियर्स ने RSA बड़गाम को 3 विकेटों से हरा के कामयाबी की दर्ज। इस मौके पर एजाज को मिला गेम चेंजर का अवार्ड। वादी से ताल्लुक रखने वाले जाने माने फुटबॉल कोच इशफाक अहमद को भारत की अंडर 16 मेंस नेशनल टीम का हेड कोच मुंतखब किया गया है। वादी के फुटबॉल लवर्स में ये खबर आते ही दौड़ी मसरत की लहर। नाज़रीन था मुकामी खेल खबरों का अहवाल, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। नाज़रीन इस वक्त